जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में। सो साथियों, स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें और 2020 टेस्ट सीरीज से जुड़ जाएँ, जो कि सप्ताह में 2 दिन आपकी करवाई जाती है। ठीक है, तो सभी साथी जुड़ जाएँ, बिल्कुल फ्री टेस्ट सीरीज ये होती है। जिन भी साथियों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक कर दें। और दोस्तों, यहाँ पर एक बढ़िया तरीके से आपको बताना है 2020 टेस्ट सीरीज में, है ना, इससे आपको जुड़ना है। और दोस्तों, यहाँ पर कोर्स लॉन्च किया गया, सेल्फ स्टडी क्लासेस का मॉडल पेपर लॉन्च किए गए हैं, 3000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज, और साथ ही दोस्तों एक बड़ा सरप्राइज, हिंदी साहित्य का निचोड़ कोर्स भी लॉन्च किया गया। हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। और दोस्तों, अंतिम ब्रह्मास्त्र, टीजीटी पीजीटी का अंतिम ब्रह्मास्त्र, इससे आपको जुड़ना है। ठीक है, इससे आपको जुड़ जाना है। 5000 प्रश्नों की ट्रिकी वीडियो, व्याकरण, निचोड़ क्लासें, है ना। तो पीजीटी में मात्र 599 में इस कोर्स में आप जुड़ सकते हैं दोस्तों, एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही पंजाब मास्टर कैडर का एक दोस्तों मॉडल पेपर लॉन्च किया गया है। इस मॉडल पेपर में दोस्तों आपके लिए 4500 क्वेश्चन होंगे, मात्र 599 में आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और ये जो होंगे वो 30 मॉडल पेपर सिलेबस के अनुसार होंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का इस सेशन। सभी लोग तैयार हैं तो एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर देंगे। और आज का दोस्तों अपना प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन, शिवसेन सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर गारसादा तासी। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है, ये आपको चयन करना है। 51 का आंसर बताइए, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन माना जाता है, ये 51 का आंसर आपको चयन करना है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक आपका 51 है। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है, यहां पर आपको बताना है। और सीधा उत्तर है आपका गारसादा तासी, यानी कि आपका जो डी नंबर है, दा नंबर है, वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास दोस्तों कितने खंडों में प्रकाशित किया गया, इसका आंसर आपको बताना है, है ना। विकल्प अनुसार उत्तर आपको बताना है, 52 का आंसर सभी लोग बताएंगे। काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित किया गया, इसका आंसर सभी लोग बताएंगे। 4 विकल्प हैं, विकल्प अनुसार आपको उत्तर बताना है, बताएं क्या हो जाएगा। 52 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित किया गया, ये आपका क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे। और सीधा आंसर आपका जाएगा दोस्तों क्या, डी नंबर, यानी कि 18। डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, है ना, ये डी बिल्कुल सही है, वेरी गुड आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ का लेखक कौन है। हिंदी साहित्य की भूमिका बताना है दोस्तों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा या फिर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, बताएं। प्रश्न क्रमांक आपका 53 है। और हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ के लेखक कौन माने जाते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, यानी कि 53 का आंसर। और 53 का आंसर है दोस्तों आपका ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये ग्रंथ लिखा गया था दोस्तों 1940 में, ठीक है, 1940 में। आपका उत्तर बी नंबर बिल्कुल सही है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधु ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान किया, ये आंसर आपको चयन करना है, जल्दी से सभी लोग बताएंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान किया है? मिश्र बंधु, विनोद, शिवसेन सरोज, हिंदी शब्द सागर या फिर हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, किस ग्रंथ द्वारा दिया है, इसका आंसर आपको चयन करना है। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 54 का आंसर है। इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, तब आपका उत्तर हो जाएगा मिश्र बंधु, विनोद।
लगभग 5,000 कवियों का इसमें परिचय दिया गया दोस्तों। ये आपको पता है उर्मिश्र बंधु विनोद, ये दोस्तों चार भागों में प्रकाशित है। कितने भागों में? चार भागों में है। पहले तीन भाग 1913 में, और दोस्तों है ना एक भाग इनका 1934 में प्रकाशित हुआ था, आपको पता होगा है ना। तो ये मिश्र बंधु विनोद यानी कि आपका एक नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन से पूर्व किस प्रसिद्ध ग्रंथ में हिंदी के विभिन्न कवियों की जीवन वृत्ति एवं कृतित्व का परिचय मिलता है? प्रश्न क्रमांक 55, गुरु ग्रंथ साहिब, भक्त नामावली, 84 वैष्णव की वार्ता, या फिर दोस्तों एक और ऑप्शन है आपका श्रृंगार संग्रह, यानी कि 55। बताएं सभी लोग, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन से पूर्व किस प्रसिद्ध ग्रंथ में हिंदी के विभिन्न कवियों के जीवन वृत्ति एवं कृतित्व का परिचय मिलता है ना। प्रश्न क्रमांक आपका 55 है, 55 का आंसर आपको चयन करना है, और 55 में आपका उत्तर हो जाएगा 84 वैष्णव की वार्ता, यानी कि सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, सा नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 84 वैष्णव की वार्ता आंसर आपका सही है दोस्तों, है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास स्वतंत्र पुस्तक से पूर्व किस रूप में प्रकाशित हुआ था? हिंदी शब्द सागर की भूमिका, साहित्य पत्रिका की लेखमाला, पत्रिका के विशेषांक, या फिर साहित्यालोचन। प्रश्न क्रमांक 56 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास है दोस्तों है ना, जो 1929 में प्रकाशित हुआ था, हिंदी साहित्य का इतिहास स्वतंत्र पुस्तक के रूप से पूर्व किस रूप में ये प्रकाशित हुआ था, ये आपको बताना है। तब आपने बिल्कुल सही आंसर बता दिया 56 का, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में, यानी कि आपका उत्तर आ नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ये नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का लेखक कौन है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का लेखक कौन है? चार विकल्प है हमारे सामने, जॉर्ज ग्रियर्सन, गार्सा द ताशी, रैन वेल्क, या फिर गिलक्राइस्ट। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है ना, इसके लेखक आपको चयन करना है दोस्तों, 57 का क्वेश्चन आपको चयन करना है। अच्छा क्वेश्चन है, 57 का आंसर आपका जाएगा दोस्तों कौन सा? जॉर्ज, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ ग्रियर्सन ऑफ हिंदुस्तान, यानी कि आ नंबर आपका बिल्कुल सही है, ये नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये जिन्होंने बताया उनका आंसर सही है। हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान किस लेखक को मिला? किस लेखक को मिला? रामकुमार वर्मा, शिवसेन सेंगर, रामचंद्र शुक्ल, या फिर धीरेन्द्र वर्मा। हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान किस लेखक को मिला है, ये आपको चयन करना है। बताएं, प्रश्न क्रमांक 58 का आंसर है, 58 में आपको चयन करना है, हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान किस लेखक को मिला है, ये आंसर सभी लोग बताएंगे, और सीधा आंसर आपका जाएगा दोस्तों किसको मिला है सर्वोच्च स्थान? रामचंद्र शुक्ल को, यानी कि शाह नंबर आपका बिल्कुल सही, रामचंद्र शुक्ल आपका राइट आंसर हो जाएगा। गार्सा द तासी ने इस्तवार दाला लेतुत्र इंदो हिंदुस्तानी ग्रंथ की रचना किस भाषा में की? किस भाषा में की? फ्रेंच, अंग्रेजी, रूसी, या फिर जर्मनी। गार्सा द तासी ने इस्तवार दाला लेतुत्र इंदो हिंदुस्तानी ग्रंथ की रचना किस भाषा में की है, इसका आंसर आपको चयन करना है, फ्रेंच भाषा में, अंग्रेजी, रूसी, या फिर जर्मन भाषा में की है, ये 59 का उत्तर आपको लगाना है, और आपका सीधा आंसर जाएगा इस्तवार दाला लेतु तुरंदु हिंदुस्तानी, ये जो ग्रंथ है दोस्तों ये किस भाषा में लिखा गया, ये लिखा गया आपके फ्रेंच भाषा में, यानी कि आपका जो ए नंबर है आ नंबर है वो बिल्कुल सही है, ये नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये फ्रेंच विद्वान थे गार्सा द तासी और इस्तवार द ललितुत्र इंदो हिंदुस्तानी, इन्होंने फ्रेंच भाषा में लिखा, यानी कि एक नंबर आपका सही है। हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किसने किया? बताएं किसने किया संपादन? डॉक्टर नगेंद्र ने, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, रामकुमार वर्मा, या फिर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने? हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किसने किया? संपादन की बात पूछी गई, अब संपादन की पूछी गई तो दोस्तों आपको पता है प्रश्न क्रमांक 60 में
है ना, हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का, और यहां पर 60 का आंसर बताना है। और यहां पर दोस्तों आपका राइट आंसर है बी नंबर, क्या है, धीरेन्द्र वर्मा ने किया था हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन, धीरेन्द्र वर्मा ने, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही यहां पर, धीरेन्द्र वर्मा, ठीक है, धीरेन्द्र वर्मा ने एक संपादन किया था। और किस आलोचक ने आदिकाल को बीज बपन काल कहा, किस आलोचक ने आदिकाल को बीज बपन काल कहा, बताइए बीज बपन काल किसने कहा, बीज बपन काल आपको बताना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास या फिर रामकुमार वर्मा। किस आलोचक ने आदिकाल को बीज बपन काल नाम दिया है, प्रश्न क्रमांक 61 में, और 61 में आपका सीधा उत्तर जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, यानी कि आपका बी नंबर बिल्कुल सही है, आदिकाल को बीज बपन काल कहा था दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, और महावीर ने अहिंसा के बीज बोए, काय के बीज बोए, अहिंसा के, तो बीज से बीज बपन काल और अहिंसा के, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, यानी बी नंबर। सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना, सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना, मिश्र बंधु, गुलेरी, राहुल सांकृत्यानी या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है, इसका आंसर आपको बताना है, सभी लोग बताएं। सरहपा दोस्तों आपको पता है ना, सिद्ध साहित्य से संबंधित है, सिद्धों की संख्या 84 है, नाथों की संख्या 9 है ना, उस सरहपा को आपको बताना है, और दोस्तों इनको माना है किसने, राहुल सांकृत्यायन ने, यानी कि आपका सी की तरफ उत्तर जाता है, सी नंबर बिल्कुल सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को किस नाम से अभिहित कहा, है ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आपको बताना है दोस्तों, बताइए शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को किस नाम से अभिहित किया, ये आपको बताना है, जल्दी से चयन करना है आपको, है ना, और बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, सीधा सीधा आंसर आपका जा रहा है यहां पर कि हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को इन्होंने क्या कहा, उत्तर है सीधा बीरकाल, बीरकाल यानी बी नंबर आपका बीरकाल बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, प्रारंभिक काल को बीरकाल नाम दिया। हिंदी साहित्य के अंतर्गत किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, भक्ति काल को, उत्तर मध्य काल को, उत्तर मध्य काल या फिर दोस्तों आधुनिक काल को, बताएं स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, ये आपका राइट आंसर है, और सीधा आंसर आपका जाएगा दोस्तों भक्ति काल को, किसे कहा जाता है ना, यहां पर हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है भक्ति काल को, ये आ नंबर जो है ए नंबर वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए नंबर राइट आंसर है। आदिकालीन कृति ढोला मारूरा दुहा की गणना किस साहित्य के अंतर्गत की जाती है, आदिकालीन कृति ढोला मारूरा दुहा की गणना किस साहित्य के अंतर्गत की जाती है, रासो साहित्य, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य या फिर लौकिक साहित्य के अंतर्गत, प्रश्न क्रमांक 65 है, 65 का आंसर आपको चयन करना है दोस्तों, ढोला मारूरा दुहा आपसे पूछा गया है, और ढोला मारूरा दुहा की गणना किस साहित्य के अंतर्गत की जाती है, ये क्वेश्चन है आपका, रासो साहित्य, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य या फिर लौकिक साहित्य, यानी कि 65 का आंसर आपका है कि सर लौकिक साहित्य के अंतर्गत आता है ये ढोला मारूरा दुहा, है ना, यानी आपका उत्तर डी नंबर बिल्कुल सही है, डी आपका राइट आंसर। आदिकाल के अंतर्गत सरहपा, लुईपा, सबरपा आदि कवि किस साहित्य से संबंधित हैं, जैन साहित्य से, सिद्ध साहित्य से, लौकिक साहित्य या फिर रासो साहित्य से। आदिकाल के अंतर्गत सरहपा, लुईपा, सबरपा आदि कवि किस साहित्य से संबंधित हैं, प्रश्न क्रमांक आपका 66 है, और 66 में सरहपा, लुईपा, सबरपा आदि जो कवि हैं ये दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, 66 में सिद्ध साहित्य के अंतर्गत, यानी कि आपका जो बी नंबर है वो आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, बीज उन्होंने बताया राइट आंसर, सिद्ध साहित्य के अंतर्गत आते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य बताना है दोस्तों, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है बताइए, पृथ्वीराज रासो है, बीसल देव रासो,
और संदेश राशक और दोस्तों खुमान राशो, इनमें से आपको चयन करना। बताइए, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो माना जाता है वो कौन सा माना जाता है, ये आपका क्वेश्चन है। और प्रश्न क्रमांक आपका 67 है, 67 में। और प्रथम महाकाव्य की बात हुई है तो दोस्तों आपको पता है कि सर पृथ्वीराज रासो जो है ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। इसके रचनाकार की आप बात करोगे तो उत्तर हो जाएगा चंदबरदाई। कौन है? चंदबरदाई। आदिकाल की रूढ़ियों, परंपराओं और प्रवृत्तियों को समझने में किस पुस्तक से सहायता मिलती है? किस पुस्तक से सहायता मिलती? उक्ति व्यक्ति प्रकरण से, प्राकृत पेंगलम से, खाल अखबारी या फिर श्राप का चार से। प्रश्न क्रमांक आपका दोस्तों 68 है, 68 में आपको चयन करना है। रूढ़ियों, परंपराओं और प्रवृत्तियों को समझने में किस पुस्तक से सहायता मिलती है? 68 का आंसर आपको बताना है। और 68 में आपका राइट आंसर हो जाएगा वो मिलती है दोस्तों प्राकृत पेंगलम। प्राकृत पेंगलम यानी बी नंबर आपका सही है, प्राकृत पेंगलम है ना। इसके लेखक कौन है दोस्तों? इसके लेखक हैं लक्ष्मीधर। कौन माने जाते हैं? लक्ष्मीधर माने जाते हैं, है ना। और ये आपका जो बी नंबर है वो बिल्कुल सही है। पृथ्वीराज रासो का रचयिता किसे माना जाता है? पृथ्वीराज रासो का रचयिता किसे माना जाता है ये आपको बताना है। नरपति नाल को, जगनेक, चंदबरदाई या फिर गोरखनाथ को? पृथ्वीराज रासो का रचयिता किसे माना जाता है? सभी लोग आंसर बताएंगे, वीडियो को एक बार लाइक कर दें। पृथ्वीराज रासो के रचयिता आपको चयन करना है। प्रश्न क्रमांक 69 है और 69 में आपका सीधा उत्तर जाएगा दोस्तों इस इनके रचयिता कौन है? चंदबरदाई यानी कि सी नंबर। सी नंबर, सा नंबर आपका बिल्कुल सही है। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंदबरदाई हैं। सी आपका राइट आंसर। रासो काव्य परंपरा में गेय काव्य कौन सा है? गेय काव्य कौन सा है? बीसलदेव रासो, परमार रासो, वरण रत्नाकर या फिर राहुल बेल? रासो काव्य परंपरा में गेय काव्य कौन सा है? सभी को बताना है। 70 का आंसर है, 70 में आपको चयन करना है। गेय काव्य कौन सा माना जाता है? प्रश्न क्रमांक 70। और 70 में आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका आंसर आपको चयन करना है। सभी लोग आंसर बताएंगे। राइट आंसर है दोस्तों रासो काव्य परंपरा में जो गेय काव्य है वो कौन सा माना जाता है? वो माना जाता है बीसल देव रासो, यानी कि आ नंबर जो है वो बिल्कुल सही है। बीसल देव रासो, इसके रचनाकार कौन है दोस्तों? नरपति नाल। ये आपसे पूछी जाएगी रचना बीसल देव रासो, ठीक है। तो एक नंबर जिन्होंने बताया, दामोदर शर्मा द्वारा लिखित उक्ति व्यक्ति प्रकरण किस प्रकार का ग्रंथ है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण, सबसे पहले तो ये पूछा जाता है कि ये ग्रंथ किसका है, तब आपको पता है दामोदर शर्मा है ना। और इसके ये बताना किस प्रकार का ग्रंथ है, इतिहास ग्रंथ है ना, भाषा सर्वेक्षण ग्रंथ, व्याकरण ग्रंथ या फिर काव्य ग्रंथ? 71 का आंसर बताना, सभी लोग बताएंगे। 71 में है ना, उक्ति व्यक्ति प्रकरण किस प्रकार का ग्रंथ है, ये आपका क्वेश्चन है। और राइट आंसर जाएगा आपका दोस्तों ये व्याकरण ग्रंथ है, यानी सी नंबर आपका सही है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये व्याकरण ग्रंथ है ना। जिन्होंने भी बताया सा बिल्कुल सही। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाला पहला कवि कौन है? आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाला पहला कवि कौन है? दामोदर शर्मा, अमीर खुसरो, चंदबरदाई या फिर सरहपा? बताएं। प्रश्न क्रमांक 72 और 72 का उत्तर हो जाएगा अमीर खुसरो, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया, अमीर खुसरो सही है। आदिकालीन शिलांकित कृति का नाम क्या है जिसे गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति माना जाता है? 73, वर्ण रत्नाकर, खालिकबारी दो शुक्ने या फिर दोस्तों राहुल बेल? शिलांकित कृति आपको बताना है, किसे माना जाता है शिलांकित कृति? प्रश्न क्रमांक 73 है आपका, 73 में आपको चयन करना है। शिलांकित कृति का नाम क्या है और सीधा आंसर आपका जाएगा 73 में क्या जाएगा? राहुल बेल, यानी कि आपका जो डी नंबर है वो बिल्कुल सही है। राहुल बेल आपका राइट आंसर है, शिलांकित कृति है दोस्तों राहुल बेल, ठीक है। वेरी गुड आंसर,
अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो किस तरह की रचनाओं के लिए प्रसिद्ध हैं? अमीर खुसरो किस तरह की रचनाओं के लिए प्रसिद्ध हैं? पहेलियां, मुकरियां, गजल, गीत या फिर दोहे? 74 और आपका उत्तर हो जाएगा 74 का कि अमीर खुसरो जो हैं ये गजल के लिए प्रसिद्ध हैं दोस्तों। गजल यानी आ नंबर आपका राइट आंसर है, ए नंबर। ठीक है, आदिकालीन साहित्य में वीरस की रचनाओं में किस शैली का प्रयोग किया गया? वीर रस की रचनाओं में किस शैली का प्रयोग किया गया? पिंगल, डिंगल, दोहा चौपाई या फिर दोस्तों कवित्य सवैया? और वीर रस की रचनाओं में किस शैली का प्रयोग किया गया, ये 75 का आंसर है। और वीर रस की रचनाओं में दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा डिंगल, है ना। यानी कि आपका 75 में जो आपने बताया है कि सर डिंगल यानी कि बी नंबर। ठीक है, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ सॉरी, ये गजलें नहीं, पहेलियां और मुकरियां लिखी हैं। अमीर खुसरो किस तरह की रचनाओं के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये दोस्तों पहेलियां और मुकरियां यानी कि इसका ए नंबर आप कर लो। ठीक है, ये ए नंबर होगा आपका सही, ए नंबर सही है। ठीक है, यहाँ पर डिंगल हो जाएगा, बी नंबर सही। आदिकाल के किस पंथ से भक्तिकाल के संत मत का विकास हुआ? 76, हाँ पहेलियां और मुकरियां। किस पंथ से भक्तिकाल के संत मत का विकास हुआ? 76 का आंसर आपको बताना है, बौद्ध, जैन, नाथ या फिर बज्रयान। आदिकाल के किस पंथ से भक्तिकाल के संत मत का विकास हुआ है, इसका उत्तर आपको बताना है। और 76 में आपने बिल्कुल सही आंसर बताया, और वो है दोस्तों किस पंथ से भक्तिकाल के संत मत का हुआ है, तो वो हुआ है नाथ पंथ से, है ना। नाथों की संख्या 9, प्रवर्तक है ना गोरखनाथ। बहुत बढ़िया, सी नंबर सही है। रामकुमार वर्मा ने आदिकाल का नामकरण किस रूप में किया? रामकुमार वर्मा ने आदिकाल का नामकरण किस रूप में किया है? अपभ्रंश काल, संधि काल और चारण काल, सिद्ध सामंत काल या फिर अंधकार काल, बताएं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल का नामकरण किस रूप में किया है, इसका आंसर बताना है। रामकुमार वर्मा की बात होती है तो आपने दोस्तों पढ़ा है कि रामकुमार वर्मा ने और आचार्य ग्रियर्सन ने, ठीक है, तो आपको पता है। ठीक है, यहां पर राइट आंसर है दोस्तों संधि काल और चारण काल यानी बी नंबर। ठीक है, रामकुमार वर्मा ने आदिकाल का जो नामकरण किया है वो किया है संधि काल और चारण काल नाम से। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले संधि काल है ना, और फिर उसे उसके बाद दोस्तों चारण काल है ना, चारण काल ग्रियर्सन ने सबसे पहले दोस्तों, और रामकुमार वर्मा ने इन्होंने चारण काल कहा आदिकाल को। इनको अपन को पढ़ना, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे बताइए? नाथ संप्रदाय दोस्तों, नाथों की संख्या 9 है, ये आपको बताना है। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे ये आपको बताना है। गोरखनाथ, गोपी चंद, चौरंगी नाथ या फिर चुड़कर नाथ? और आपका सीधा आंसर जाएगा कि नाथ संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो है गोरखनाथ, यानी ए नंबर आ नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कीर्ति लता और कीर्ति पता का किस कवि की रचनाएं है दोस्तों? कीर्ति लता और कीर्ति पता का ये किस कवि की रचना है, सभी लोग बताएंगे। जिन भी साथियों ने सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं किया वो सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लेना, और दोस्तों अपने साथियों तक शेयर जरूर करते रहिए, है ना। कीर्ति लता और कीर्ति पता का किस कवि की रचना है? विद्यापति रामानंद, नरपति नाल या फिर अमीर खुसरो की? तब आपका सीधा उत्तर जाएगा विद्यापति। किसकी रचना है दोस्तों? विद्यापति की है। कीर्ति लता और कीर्ति पता का आ नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर आपका सही है। 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है, यह कथन किस लेखक का है बताइए? रामचंद्र शुक्ल का।
हजारी प्रसाद, श्याम सुंदर दास या फिर धीरेन्द्र वर्मा। यानी कि प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपका 80 है, 80 का क्वेश्चन आपको चयन करना है। और 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल जैसे हिंदी का आदि काल कहते हैं, है ना। और यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 80 में आपको चयन करना है। वीडियो को एक बार लाइक करके शेयर जरूर करेंगे। 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल और आपका सीधा उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। बी नंबर आपका सही है, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका नामक इन्होंने ग्रंथ लिखे हैं दोस्तों। बी नंबर तो आपका बिल्कुल सही, आदिकाल को चारण काल की संज्ञा देने वाले जो विद्वान हैं वो कौन है, ये क्वेश्चन आएगा आपकी परीक्षा में, चारण काल की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन थे दोस्तों। 81 में सभी को बताना है, आदिकाल को चारण काल की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन माने जाते हैं, ये आपका प्रश्न है। और सभी लोग लाइक करके एक बार शेयर जरूर कर दें। चारण काल की संज्ञा देने वाले विद्वान आपको चयन करना है, और चारण काल की संज्ञा देने वाले जो विद्वान है दोस्तों वो कौन है। 81 का आंसर सीधा उत्तर है जॉर्ज ग्रियर्सन, यानी आपका बी नंबर जो है वो बिल्कुल सही है, जॉर्ज ग्रियर्सन आपका राइट आंसर है। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है, सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है, 60, 40, 84 या फिर 20। सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है, उत्तर है दोस्तों आपका कितना है उत्तर, 84। सिद्धों की संख्या 84, नाथों की संख्या 9, है ना। तो यहां पर आपका सी नंबर बिल्कुल सही होगा, 84 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैन साहित्य की रास परंपरा के प्रथम ग्रंथ भरतेश्वर बाहुबली रास, है ना, भरतेश्वर बाहुबली रास का रचनाकार कौन है दोस्तों। 83 का आंसर बताना है, 83, है ना, भरतेश्वर बाहुबली रास का रचनाकार कौन है, शालीभद्र सूरी, श्रापकाचार विजय सेन सूरी या फिर जैन धर्म सूरी। जैन साहित्य की रास परंपरा के प्रथम ग्रंथ भरतेश्वर बाहुबली रास का रचनाकार कौन है, ये 83 का आंसर आपको चयन करना है। और 83 में आपका सीधा उत्तर जाएगा कि सर भरतेश्वर बाहुबली रास के जो रचनाकार हैं वो रचनाकार हैं कौन, शालीभद्र सूरी। इन शालीभद्र सूरी को गणपति चंद्र गुप्त ने दोस्तों हिंदी का प्रथम कवि माना है, है ना, और भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी की प्रथम रचना माना है। तो यहाँ पर आपका ए नंबर शालीभद्र सूरी बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन्होंने भी ये बताया है, श्यो सिंह सेंगर ने किस कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना दोस्तों, श्यो सिंह सेंगर ने किस कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है, सरहपाद, पोष्य या पुंड, कबीर या फिर लुइया, बताएं। श्यो सिंह सेंगर ने हिंदी किस कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना, ये आपका बढ़िया प्रश्न है। 84 का आंसर आपको चयन करना है, और 84 में आपका सही आंसर जाएगा दोस्तों क्या जाएगा, पुष्य या पुंड, यानी बी नंबर आपका सही हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है प्रदीप जी, बीनू, ठीक है बी नंबर राइट है, बी नंबर। जय मयंक जस चंद्रिका की रचना किस कवि ने की, जय मयंक जस चंद्रिका की रचना किस कवि ने की, भट्ट केदार ने, गोपी चंद, ज्योतिषो ठाकुर या फिर मधुकर ने। जय मयंक जस चंद्रिका की रचना किस कवि ने की है, इसका आंसर आपको बताना है। 85 का उत्तर आपको चयन करना है, और 85 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी लोग आंसर बताएंगे। और राइट आंसर है दोस्तों आपका क्या, जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि की रचना है, डी नंबर आपका सही है, मधुकर कवि आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। भरतहरि जलंधरी पाव कवि किस साहित्य से संबंधित हैं, भरतहरि और जलंधरी पाव कवि किस साहित्य से संबंधित हैं, सिद्ध साहित्य से, नाथ साहित्य, जैन साहित्य या फिर रासो साहित्य से, बताएं। प्रश्न क्रमांक 86 है, 86 का आंसर आपको चयन करना है। भरतहरि और जलंधरी पाव कवि किस साहित्य से संबंधित हैं, 86 में और आपका उत्तर हो जाएगा ये है कई किससे संबंधित, नाथ साहित्य से, यानी बी नंबर यहां पर आपका राइट आंसर है। बी जिन्होंने बताया उनका आंसर सही है। आदिकाल के अंतर्गत किस साहित्य की प्रमाणिकता संदिग्ध मानी जाती है, आदिकाल के अंतर्गत किस साहित्य की प्रमाणिकता संदिग्ध मानी जाती है, रासो साहित्य की, लौकिक साहित्य, जैन साहित्य या फिर रास साहित्य की। आदिकाल के अंतर्गत किस साहित्य की प्रमाणिकता संदिग्ध मानी जाती है, 87 में आपको चयन करना है। वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें दोस्तों, सभी मित्रों तक शेयर कर लें।
जिन भी साथियों ने अभी तक सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं किया, वो सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें। 87 का आंसर आपको चयन करना है। और ये दोस्तों किस साहित्य की प्रमाणिकता संदिग्ध मानी जाती है, तो वो साहित्य है रासो साहित्य। कौन सा साहित्य है? रासो साहित्य की प्रमाणिकता संदिग्ध मानी जाती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गाथा को किस भाषा का मुख्य छंद माना है? गाथा को किस भाषा का मुख्य छंद माना है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश या फिर हिंदी? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गाथा को किस भाषा का मुख्य छंद माना है, ये आपको चयन करना है। 88 का आंसर बताना है। और 88 में आपका सीधा उत्तर जाएगा दोस्तों, क्या जाएगा आपका उत्तर जाएगा? प्राकृत। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गाथा को किस भाषा का मुख्य छंद माना है, तो वो माना है दोस्तों प्राकृत, है ना। यानी कि आपका बी नंबर बिल्कुल सही है, बी आपका राइट आंसर है, ठीक है। 88, वर्ण रत्नाकर किस प्रकार की कृति है? वर्ण रत्नाकर एक किस प्रकार की कृति है, ये आपको बताना है। चंपू काव्य है, गद्य है, व्याकरण है या फिर खंड काव्य है? वर्ण रत्नाकर किस प्रकार की कृति है, इसका आंसर आपको चयन करना है। और आपका उत्तर हो जाएगा कि सर जो वर्ण रत्नाकर है ना, ये किस प्रकार का माना जाता है? नवासी में उत्तर बताना है, बताएं सभी लोग। ये गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है दोस्तों, वर्ण रत्नाकर क्या है ये? है ना, ये गद्य काव्य है, ये सॉरी वर्ण रत्नाकर, ये दोस्तों चंपू काव्य माना जाता है। गद्य पद्य मिश्रित रचना है ये, है ना, ये चंपू काव्य है आपका। एक नंबर आपका बिल्कुल सही है, ये चंपू काव्य जो त्रिशूर ठाकुर ने लिखा है ना। तो यहां पर दोस्तों आपका वर्ण रत्नाकर चंपू काव्य माना जाता है, गद्य पद्य मिश्रित, ठीक है। अब यहां पर 16वीं 17वीं शताब्दी के युग को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानना किस इतिहास लेखक की महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी गई है? यहां पर आपको बताना जल्दी, भक्ति काल का बताइए फटाक से। भक्ति काल का सभी को बताना है। चयन करिए इसको, 16वीं 17वीं शताब्दी का आपको बताना है दोस्तों। है ना, तो यहां पर आपको गद्य साहित्य लगाना है, एक गद्य ग्रंथ माना जाता है। वर्ण रत्नाकर किस प्रकार की कृति है दोस्तों? एक गद्य ग्रंथ है, ठीक है, एक गद्य ग्रंथ आपको लगाना है। बी नंबर आपको यहां पर लगाना है, ठीक है। चंपू काव्य कौन सी है? रावल बेल, ये यहां पर बी नंबर आपका सही हो जाएगा। 16वीं 17वीं शताब्दी के युग को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानना किस इतिहास लेखक की महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है, ये आपको बताना है, बताएं। 16वीं 17वीं शताब्दी का आपको बताना है, जल्दी से बताइए। है ना, 16वीं 17वीं शताब्दी के युग को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानना किस इतिहास लेखक की महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है? और आपका सीधा उत्तर है जॉर्ज ग्रियर्सन। यानी कि आपका जो डी नंबर है वो बिल्कुल सही है, डी नंबर आपका राइट आंसर है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। यहां पर देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का सीमांकन कहां से कहां तक है, बताएं।
कहां से कहां तक है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का सीमांकन कहां से कहां तक है? ये क्वेश्चन सभी लोगों ने सुधार लिया, ये गद्य काव्य है दोस्तों, है ना, ये वर्ण रत्नाकर गद्य काव्य है, जो ज्योतिषो ठाकुर का माना जाता है, मैथिली भाषा में रचित है, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का सीमांकन कहां से कहां तक है, ये प्रश्न आपको बताना है। 1318 से 1643 ईस्वी, 1388 से 1503, 1400 से 1600, 1360 से 1700, ये प्रश्न क्रमांक आपका 91 है, और 91 में आपका उत्तर चला जाएगा। ईस्वी पूछा है, ईस्वी ईस्वी पूछा है, तब आपका उत्तर हो जाएगा ये नंबर, ठीक है। 1318 से 1643 ईस्वी, ये नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों। शंकराचार्य ने सामाजिक एकीकरण के लिए किस दार्शनिक अध्यात्म के एक का निरूपण किया? बताएं, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैता द्वैतवाद, या फिर अद्वैत वेदांत, या शुद्धाद्वैतवाद। प्रश्न क्रमांक 92 में आपको चयन करना है। शंकराचार्य ने सामाजिक एकीकरण के लिए किस दार्शनिक अध्यात्मिक दोस्तों एक का निरूपण किया, है ना, किस बाद का इन्होंने दोस्तों स्थापना की? 92 का आंसर आपको चयन करना है, और 92 में आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इन्होंने किया है अद्वैत वेदांत। अद्वैत वेदांत यानी कि आपका जो सी नंबर है, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी बिल्कुल सही है, वेरी गुड आंसर। रामानंद किस भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं? रामानंद, रामानंद बताना है, सगुण है, निर्गुण है, है ना, किस प्रकार के हैं? 93 में रामानंद के बारे में आपको चयन करना है दोस्तों, है ना। अपन ने कई बार पढ़ा है कि सर रामानंद तो क्या थे, रामानंद तो सगुण थे, लेकिन इनके कई जो भक्त थे, है ना, कई जो शिष्य थे वो निर्गुण थे, है ना। तो रामानंद किस भक्ति धारा के कवि हैं? तब आपका उत्तर यहाँ सगुण भक्ति धारा होगा दोस्तों, ये नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। 93 में ये नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। रामानंद सगुण भक्ति धारा के कवि माने जाते हैं। नाभादास रचित किस ग्रंथ में कबीर के संबंध में उल्लेख मिलता है? कबीर के संबंध में उल्लेख मिलता है तो 94 में आपको बताना है। कबीर के संबंध में किस ग्रंथ में उल्लेख मिलता है, ये आपका क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक जरूर कर देना। नाभादास रचित किस ग्रंथ में कबीर के संबंध में उल्लेख मिलता है, ये आपका क्वेश्चन है, और सीधा उत्तर आपका जाएगा दोस्तों, क्या जाएगा? भक्तमाल, यानी कि आपका एक नंबर जो है, आ नंबर जो है वो बिल्कुल सही है। ये जिन्होंने बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है, कबीर के संबंध में उल्लेख मिलता है, तो भक्तमाल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दें दोस्तों। जिन भी साथियों को कोर्स में एडमिशन लेना है, हिंदी साहित्य के संपूर्ण कोर्स में एडमिशन लेना, तो संपूर्ण कोर्स में आप मात्र 1000 में ले सकते हैं, है ना। टीजीटी पीजीटी का मॉडल पेपर 350 में, है ना, 3000 प्रश्नों की जो हिंदी साहित्य की टेस्ट सीरीज है, इसमें 350 में आप कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर ले, जहाँ पर 2020 टेस्ट सीरीज आपको बिल्कुल फ्री करवाई जाती है दोस्तों, इससे आप लोग जुड़े। साथ ही यहाँ पर मास्टर कैडर का दोस्तों एक मॉडल पेपर लॉन्च किया गया, जिन भी साथियों को मास्टर कैडर का मॉडल पेपर लेना है वो मॉडल पेपर में एडमिशन ले सकते हैं। और अंतिम ब्रह्मास्त्र क्रश कोर्स लॉन्च किया गया है मात्र 599 में, 5000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज, टिर्की वीडियो, हिंदी व्याकरण निचोड़ क्लास, इसमें एडमिशन लिया गया, इसमें आप अध्ययन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करें, इसी प्रकार से जुड़े रहें और दोस्तों अध्ययन करते रहें। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। 10 बजे एग्जाम पार में दोस्तों आप पढ़ें और उसमें प्रैक्टिस भी करें, ठीक है। सभी साथियों को धन्यवाद। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप से जुड़ जाएं, जहां पर आपको बहुत सारा फायदा ही फायदा होने वाला है, और इसी प्रकार से सभी पढ़ें, है ना। लवकुश जी, विजय जी, गीतिका, सरोज जी, है ना, विश्वास मलिक जी और रतिपाल जी, सभी साथियों को धन्यवाद, है ना। श्याम पंडित जी बहुत बढ़िया, इंदु जी, बिंदु जी, ममता, सोनू जी, शिव कुमार जी, ज्योति, मंजू, मनीषा जी, ज्ञानेश जी, अनीता, पूजा जी, सभी साथियों को धन्यवाद आज के इस वीडियो के लिए दोस्तों। बस इतना ही। जय हिंद।